दोस्तों, मेरा ये गुड़हल का प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें जो है हर एक डाली में आपको कलियां और फूल नजर आएंगे। तो ये सब चीजें एक दिन में पॉसिबल नहीं होती है। बारिश के पूरे सीजन में मैं अपने प्लांट में क्या क्या फर्टिलाइजर देती हूँ वो सभी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये जो प्लांट की कंडीशन है ये एक दिन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम हमारे प्लांट की बहुत अच्छे से केयर करते हैं और टाइम पे फर्टिलाइजर वगैरह देते रहते हैं। तो क्या क्या खाद मैं अपने प्लांट में देती हूँ इस सीजन में कि मेरे प्लांट की कंडीशन इतनी अच्छी है, आपको कोई भी ब्रांच जो है जिसमें कलिया या फूल नहीं है ऐसा नजर नहीं आएगा। हर एक ब्रांच में कलिया है। तो चलिए मैं पूरा रूटीन आपको बताऊंगी, पूरे महीने में मैं किस तरह से फर्टिलाइजर देती हूँ। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इस समय, क्योंकि कटिंग्स लगाने का बहुत अच्छा टाइम है, या आपकी अगर कटिंग्स रेडी हो चुकी है, कमेंट्स में पूछा जा रहा है काफी ज्यादा कि क्या फर्टिलाइजर दे वगैरह इस तरह से, तो मैं आपको बताऊंगी कि नए प्लांट अगर आपके रेडी हो चुके हैं तो आपको कब फर्टिलाइजर देना चाहिए और कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए वो सब बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हिबिस्कस का जो प्लांट है या गुड़हल का जो प्लांट है वो परमानेंट प्लांट है, सभी को मालूम है, और देसी वैरायटीज में बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। इसमें पूरा साल फ्लावर आता है, सिर्फ बहुत ज्यादा विंटर में इसमें थोड़े से फूल कम आते हैं, या काफी बार बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाता है तो फूल ना भी आए, ऐसा भी सिचुएशन मैंने देखा है। लेकिन दोस्तों, अभी जो सीजन है, जो बारिश का सीजन है, इसके लिए काफी अच्छा टाइमिंग है। अगर आप अपने प्लांट से इस समय फ्लावर नहीं ले पा रहे तो आपको किस तरह से केयर करना है। आपका प्लांट अगर बिल्कुल भी ग्रोथ में नहीं आ रहा है तो मैं महीने में क्या इसको देती हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ में मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस प्लांट में हर 3 महीने में, मतलब 3 महीने के गैप में ये फर्टिलाइजर देती हूँ, वो मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता रही हूँ। ये मेरा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो मैं इस प्लांट को कम से कम 4 चम्मच बोन मील, उसके साथ 4 चम्मच जो है हॉर्न मील, और कम से कम 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, ये खाद मैं जो है अपने इस प्लांट को हर 3 महीने में एक बार जरूर देती हूँ, यानी 3 महीने बाद बाद रिपीट करती रहती हूँ। और ये मैं हमेशा अपने प्लांट को करती हूँ, यानी पूरे साल में मैं 4 बार इस फर्टिलाइजर को अपने इस प्लांट को देती हूँ। आप समझ चुके होंगे कि हर 3 महीने में इस खाद को रिपीट करना है। और जो नीम की खली है वो मैं जब रिपोर्टिंग करती हूँ तब देती हूँ, और नीम की खली मैं 6 मंथ में रिपीट करती हूँ, यानी अगर आपने रिपोर्टिंग के टाइम में दे दिया है अपने प्लांट को तो आप 6 महीने बाद फिर दीजिए। साल में 2 बार जो है आप नीम की खली दे सकते हैं, यानी 6 महीने के गैप में। और कितना देना है, जैसे आपने 12 इंच के गमले के लिए रिपोर्टिंग किया तो 2 मुट्ठी भर के दे दीजिए, और जब आप 6 महीने बाद दे रहे तब आप 1 मुट्ठी दे सकते हैं। नीम की खली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन देना काफी जरूरी है क्योंकि आपका जो प्लांट है उसमें मिट्टी में किसी भी तरह का इंसेक्ट ना आए, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया दोस्तों, मैं साल भर अपने प्लांट को जो खाद देती हूँ लेकिन कम देती हूँ, ये चीजें बहुत ही बार बार नहीं देना पड़ता है, तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। इसलिए अब बात करते हैं कि मंथ में मैं अपने प्लांट में क्या देती हूँ। अगर मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिनों पहले जो है खाद से रिलेटेड वीडियो शेयर किया था, तब मैंने आप लोगों को 13 तरह के खाद के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आप जरूर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने खाद के बारे में बताया है काफी चीजें। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ सिर्फ हिबिस्कस का, लेकिन उसमें मैंने सभी खाद के बारे में बताया है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को। अब बात करती हूँ कि महीने में मैं अपने प्लांट को क्या खाद देती हूँ। तो मैंने इसी प्लांट में जो है NPK 10 26 26 1 चम्मच पूरा भरकर इस प्लांट में, अगर 1 तारीख को मैंने मान लीजिए अगर दिया, क्योंकि हर खाद के बीच में आपको कम से कम 10 से 12 दिन का गैप जरूर रखना है,
वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से आपको देना है ये चीज। तो मैंने यहाँ पर जो है एनपीके 10-26-26, क्योंकि एनपीके 10-26-26 के अंदर आप जानते ही है कि 10 भाग जो है नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो भाग होता है वो 26-26 रहता है। तो इससे क्या होगा कि फ्लावर बहुत ज्यादा आ जाते हैं प्लांट में, तो आपको अलग से जो है पोटाश वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है और प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी होती है और फ्लावर काफी अच्छे से आ जाते हैं। तो मैं 1 चम्मच मैंने ये दे दिया था और मैं ज्यादातर जो है एनपीके 10-26-26 ही यूज में लेती हूँ, क्योंकि काफी सस्ता पड़ता है ये खाद। मेरे यहाँ पर 80 रुपए पर केजी में मिल जाता है, तो अच्छे से मैंने दिया। दोस्तों एनपीके 10-26-26 आपको उस समय अपने प्लांट में देना है जब आपका प्लांट का ग्रोथ काफी अच्छा है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं और आपको फूल लेना है, तो आप जो है एनपीके 10-26-26 दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको देकर दिखाया। 12 इंच के गमले के लिए 1 चम्मच भर के दिया था मैंने। लेकिन अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप एनपीके 19-19-19 हो गया या 20-20-20 हो गया वो आप दे सकते हैं। उससे आपका प्लांट के जो हर तरह से ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, फ्लावर भी आएंगे उसमें। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से फ्लावर लेना चाहते हैं तो एनपीके 10-26-26 दे सकते हैं। अगर मैंने मंथ के 1 तारीख को 10-26-26 दिया है तो मैं 15 दिन बाद इसमें जो है एक और खाद जो जरूरी है वो देती हूँ। लेकिन मैं काफी जनों से जब मैं डीएपी की बात करती हूँ हिबिस्कस में देने के लिए, तो काफी जने कमेंट में मुझे बोलते हैं कि डीएपी खाद जो है हिबिस्कस में नहीं देना चाहिए, कमेंट में ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं अपने प्लांट में हमेशा जो है मंथ में ये 2 खाद दे रही हूँ और मेरा प्लांट की ग्रोथ आपके सामने है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो क्योंकि मेरा प्लांट काफी बड़ा है और काफी फैल चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग स्टेज पर है, तो बस मैं इस तरह से 15 से 20 दाने तक दे देती हूँ। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है और आपका प्लांट मतलब कि बहुत ज्यादा इतना फैला हुआ नहीं है तो आप जितने इंच का गमला है सिर्फ उतने ही दाने दीजिएगा, क्योंकि मेरा प्लांट काफी बड़ा और फैला हुआ है इसलिए मैं जो है 18 से 20 दाने तक दे देती हूँ और प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपका प्लांट छोटा है तो आप जितने इंच का गमला है, यानी 12 इंच का गमला है तो 12 दाने, अगर 10 इंच का गमला है तो 10 दाने ही दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिए। और महीने में सिर्फ एक बार ही इस चीज़ को अप्लाई करना है, इन दोनों फर्टिलाइजर को मंथ में एक बार ही देना है। दोनों फर्टिलाइजर को एक साथ नहीं देना है, मैं इस चीज का पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपने 1 तारीख को एनपीके 10-26-26 दिया है तो आपको 15 तारीख को डीएपी देना है, दोनों को एक साथ नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और मैं महीने में एक बार जो है माइक्रो न्यूट्रिशंस भी देती हूँ, मतलब जो सीवीड हो गया या वो चीजें वो मैं बता नहीं रही हूँ, आप लोग दे दीजिएगा, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक प्लांट से फ्लावर लेने के लिए। मैं इस प्लांट के लिए जैसे 12 इंच के गमले में इतना बड़ा प्लांट है तो मैं 2 चम्मच भर के जो है सीवीड जरूर से देती हूँ, इससे प्लांट में काफी अच्छे से फ्लावर आते हैं। दोस्तों मैंने फर्टिलाइजर की बात पहले ही आपको क्लियर कर दिया है और अब बात करते हैं नॉर्मल चीजें जैसे पानी, धूप, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। तो थोड़ा सा फास्ट बता देती हूँ, जब तक आपको लगे कि पानी गीला है गमले का तब तक पानी मत दीजिए, जब आपको लगे कि प्लांट को पानी चाहिए तभी पानी दीजिए। पानी होते हुए पानी देंगे तो रूट्स में सड़न आ सकती है, बारिश के दिनों में ड्रेनेज होल चेक कर लेना जरूरी होता है ताकि पानी बिल्कुल भी जमा ना रहे। दूसरी चीज होता है सनलाइट, सनलाइट आपके प्लांट के लिए इस समय काफी अच्छे से वर्क करता है, तो प्रॉपर धूप में रखिए अपने प्लांट को। तीसरा चीज है इंसेक्टिसाइड, तो अपने प्लांट में महीने में जरूर से 2 बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे कीजिए ताकि कोई भी इंसेक्ट अटैक ना करे। मैं रोगर बहुत ज्यादा यूज में लेती हूँ, जब भी स्प्रे करती हूँ बहुत अच्छा वर्क करता है और दूसरी चीज बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। और उसके बाद आता है चौथा चीज जो है फंगिसाइड, मैं साफ फंगिसाइड ज्यादा यूज करती हूँ, साफ फंगिसाइड बहुत अच्छे से वर्क करता है प्लांट के लिए, तो महीने में 2 बार अपने प्लांट पर स्प्रे करती हूँ और 1 बार सॉइल में देती हूँ। इनका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी शेयर है फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का, तो मैं और वीडियो लंबा नहीं करना चाहती। अब बात करते हैं दोस्तों अगर आपकी कटिंग्स रेडी हो चुकी है, यहाँ जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट है और जो है पिछले साल मैंने कटिंग्स लगाना बताया था आप लोगों के साथ में, तो ये कटिंग्स रेडी हो चुकी है तो अब जो है इनमें फ्लावर आने लग गया है। तो मैं आपको बता दूं अगर आपकी कटिंग्स 1 महीने की है तो आपको ज्यादा खाद वगैरह देने की जरूरत नहीं है और अपने नए कटिंग्स जो रेडी हुआ है उसमें मतलब भूल से भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी कटिंग्स जो है वो खराब हो सकती है।
तो एक महीने तक आप कोशिश ये कीजिए कि उस कटिंग्स को आप नए गमले वगैरह में मत लगाइए, कम से कम 2 महीना 3 महीना हो जाए तब आप जो है उसको सेट कीजिए। अगर आपने छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास में किया है तब आपको शायद करना भी पड़े, तो आप जो है बहुत ज्यादा खाद वगैरह देकर उसे रिपोर्टिंग मत कीजिएगा। आप बहुत ही मिट्टी के अंदर से वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा नीम की खली से मिलाकर ही जो है उसमें प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा गमला बड़ा है और आप उसमें ही 2-3 महीने रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उस सिचुएशन में आपको अपने प्लांट में कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में ही सभी न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। तो आप बस वर्मी कंपोस्ट दीजिए और 1-2 चम्मच नीम की खली अगर दे सकते हैं, वो भी 2 महीने हो जाए जब आपका प्लांट, तब दीजिएगा नीम की खली। पहले टाइम पर आप जब जैसे 1 महीने में तो खाद ना भी दो तब भी चलता है, 40 दिन 45 दिन का अगर आपका प्लांट रेडी हो चुका है तो आप जो है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, जैसे अगर आपका, मैं जस्ट बता रही हूँ कि अगर आपका 8 इंच का पॉट है तो आप उसमें एक मुट्ठी से भी थोड़ा कम देंगे तब भी चलेगा, बट बहुत ज्यादा खाद की नीड होती ही नहीं है न्यू जो प्लांट पता है उनको। तो आप बहुत कम खाद दीजिए, बस प्लांट का हल्का सा ग्रोथ हो जाए उतना आपको खाद देना होता है। यानी आप 45 डेज के बाद जो है वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, अगर मैं सही टाइम बताऊं तो। अगर आपके प्लांट में रूट्स ही नहीं आया तो उनको खाद की जरूरत नहीं है, प्लांट को अच्छे से बनने दीजिए, नया रेडी होने दीजिए और 45 दिन बाद में आप उसको थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा। जब आपका प्लांट 60 दिन का हो जाए तब उसमें फिर से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ में थोड़ा सा नीम की खली दीजिए, मतलब 2 चम्मच जितना नीम की खली दे दीजिएगा और जो है थोड़ा सा वैसे 2-3 चम्मच जो है वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा। इससे ज्यादा नीड नहीं होती है उस समय। जब आपका प्लांट 60 दिन से बड़ा हो जाए और प्लांट थोड़ा सा हाइट में आ जाए या आप लीव्स वगैरह छोड़ने लगे, रूट्स आने लगे, तब उसको अच्छे से रिपोर्टिंग कीजिए, सॉइल मीडिया अच्छे से दीजिए और अपना प्लांट जो है हेल्दी तरीके से ग्रोथ कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं मेरे जो सामने यहाँ 4 प्लांट है, मैंने काफी सारे प्लांट बनाए थे लेकिन आज जो है इन सब में फूल आए तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूँ। और कमेंट्स में भी काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि काफी शायद नए लोग होंगे जो प्लांट लगा रहे हैं या कटिंग शायद रेडी हो रही होगी, इसीलिए कमेंट आ रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।